वहीं पाकुड़ के सुदूर इलाकों में कोरोना के वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को शहरी स्वास्थ्य केंद्र से रवाना किया गया। इस वैन को डीसी कुलदीप चौधरी ने जिले के कई प्रखंडों के लिए हरी झंडी दिखाई और मौके पर जिले के सीएस और जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही वैन रवाना करने के बाद उपायुक्त ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन समेत अन्य कार्यों का जायजा भी लिया। ये वैन्स पूरे जिले में क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर लोगों को मोटिवेट भी करेंगे और ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का कार्य भी करेंगे। प्रखंड में भी मोबाइल वैक्सीनेशन को और आवश्यकता के अनुसार बढ़ावा देने के लिए सभी MYC BDO CEOs को निर्देश दे दिया है कि ब्लॉक्स में भी, खासकर के जो दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर हैं, टिटीपाड़ा, अमरापाड़ा इत्यादि में भी इस प्रकार की ब्लॉक स्तर से भी मोबाइल वैक्सीनेशन टीम्स बनाई जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को कवरेज किया जा सके। और आज हम लोगों ने यहाँ अर्बन PSC का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया है। अभी तक 50 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और करीब 50 लोग हैं जो कि वेटिंग में हैं। अभी रिस्पांस लोगों का अच्छा है, निश्चित तौर पर लोगों में अब जागरूकता और विश्वास बढ़ा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शमशेर आलम हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। शमशेर, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई, उन्हें रवाना किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, यहाँ पाकुड़ में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मोबाइल टीकाकरण वैन का किया शुभारंभ। इसको लेकर शहरी स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़ से उपायुक्त एवं DDC ने हरी झंडी दिखाकर दो मोबाइल टीकाकरण वैन को किया रवाना। वही मौके पर सिविल सर्जन रामदेव पासवान, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी चंदन कुमार समेत आला अधिकारी रहे उपस्थित। यह टीकाकरण वाहन घूम घूम कर लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज देते हुए करेगा जागरूक। कोरोना वायरस पर नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर पाकुड़ जिले में घूम घूम कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने तथा हर वो अंतिम गांव वो अंतिम व्यक्ति तक यह टीकाकरण पहुंच सके, ताकि कोई छूटे नहीं। वही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से 44 वर्ष तक 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का भी कोरोना से बचाव हेतु पूर्वक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टीकाकरण वाहन का शुभारंभ किया गया, ताकि जिला प्रशासन पाकुड़ में टीकाकरण के मौक को पूरा कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।